हेलो फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारा वर्ल्ड क्या है। वैरायटी ऑफ सब्सटेंस से बना है। सब्सटेंस मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं। वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या, वैरायटी ऑफ थिंग्स मतलब क्या। जैसे हम अगर कंसिडर करें हमारे फ्लावर्स तो आपने देखे ही है। फ्लावर्स मतलब क्या, कौन से अलग अलग कलर्स के होते हैं, जैसे ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरह से अलग अलग फ्लावर्स हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। उसी तरह से अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें प्लांट्स के बारे में, तो प्लांट्स आप देखते ही होंगे कहीं पे डेजर्ट पे प्रेजेंट होते हैं या फिर स्नोवी रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, अगर हम डेजर्ट के बारे में कंसीडर करेंगे तो डेजर्ट में क्या है, वाटर अवेलेबल होता है क्या, नहीं होता। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, प्लांट्स वाटर स्टोर करके रखते हैं। इस तरह से आपने कुछ प्लांट्स ऐसे भी देखे होंगे कि हमको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है उसको देखने के लिए। और कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो बहुत ह्यूज होते हैं, ह्यूज मतलब क्या, बहुत बड़े, तो हमको ऊंचाई से देखने के लिए उसको देखना पड़ता है। या फिर उसमें और एक चीज़ क्या है, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं क्या, वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब पूरी तरह से वाटर में, न कि ज़मीन पे, वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं। उसी तरह से क्या है, एडेप्टेशन, हम एडेप्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। एडेप्टेशन किस में होता है, एनिमल्स में भी होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो क्या, वाटर में भी प्रेजेंट है और क्या, अर्थ में भी प्रेजेंट है। तो उसमें अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, किसी को वर्टिब्रेज होते हैं, किसी को नहीं होते। और उसके साथ साथ वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी है, कौन से हैं, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है या फिर एरियल, इस तरह से अलग अलग एनिमल्स में भी वेरिएशन होता है। तो अब हम एडेप्टेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो हम अलग अलग एडेप्टेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो हमारा लेसन है द वर्ल्ड इन द लिविंग वर्ल्ड इन द एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले है एडेप्टेशन इन प्लांट। एडेप्टेशन इन प्लांट्स में देखने के लिए हमको पहले एडेप्टेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। एडेप्टेशन मतलब क्या, तो एडेप्टेशन मतलब क्या, किसी भी चीज़ में क्या होना, वेरिएशन होना, चेंजेस होना। तो चेंजेस किस में हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ प्लांट है, 3 टाइप्स ऑफ प्लांट है। तो सबसे पहले छोटा, उससे वो थोड़ा सा ग्रो हो गया और उससे थोड़ा सा और ग्रो हो गया, तो ये क्या हो गए, उसके चेंजेस हो गए। किस में, प्लांट्स में चेंजेस हो गए। उसने क्या किया, अपने लीव को, अपने बॉडी पार्ट को, अपने स्टिंग को क्या किया, एक्सपांड किया, क्या किया, एक्सपांड किया। और उस तरह से उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया। बिहेवियर मतलब जब वो छोटा था तब उसको कम स्पेस लगती थी, ठीक है, और उसके बाद क्या, बड़ा बड़ा होते गया तो उसकी स्पेस कैसी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी। इस तरह से हम एडेप्टेशन मतलब क्या होता है, एडेप्टेशन मतलब द चेंजेस ऑकर इन द वेरिएशन ऑफ प्लांट्स एनिमल। जैसे जैसे चेंजेस होते हैं उसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं, उनके बॉडी पार्ट में या फिर उनके बिहेवियर में। और एक बात, ये प्रोसेस जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताई है, वो एक दिन के लिए है क्या, एक मंथ के लिए, एक ईयर के लिए हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इतना सब चीज़ें उसको करने के लिए एक ईयर तो काफ़ी नहीं है, ईयर के जगह वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मतलब वो जब स्टार्ट होंगी, एक दिन के लिए स्टार्ट होंगी, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस चलती जाएंगी। इस तरह से हमको एडेप्टेशन के बारे में पढ़ना है। तो उसके लिए उसमें सबसे पहला पार्ट है एडेप्टेशन इन द एक्वेटिक प्लांट। सो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ मीन बाय एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट मतलब जो वाटर में रहते हैं, जो प्लांट्स वाटर में रहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्टीम्स है, वो प्लांट के जो स्टीम्स है और पिटियोल्स है, पिटियोल्स मतलब उसके क्या, लीव्स, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, एंड लीव्स एंड फ्लावर फ्लोट इनटू ऑन द वाटर। वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होने के कारण इसके लीफ है वो प्लांट में क्या होंगे, फ्लोट होंगे। और उसके साथ साथ ऐसे कुछ प्लांट भी होते हैं जो पूरी तरह से वाटर में क्या हो, डिजॉल्व हो, वाटर में ही रह के वो क्या हो रहे, बड़े हो रहे, वो वाटर के बाहर निकलेंगे क्या, नहीं होंगे। मतलब उसके जो रूट्स होते हैं, इस प्लांट के जो रूट होंगे वो क्या होंगे, पूरी तरह से ज़मीन में क्या होंगे, धस जाएंगे, इस तरह से वो
एक्वेटिक प्लांट में आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या एक्वेटिक प्लांट उसे भी कहते हैं जिसके रूट क्या है वाटर में भी है और वो प्लांट हमको वाटर से बाहर भी दिख रहा है, उसका सेकंड एग्जांपल है। और तीसरा एग्जांपल ऐसा है कि पूरी तरह से वो प्लांट वाटर के ऊपर है और उसके जो लीफ है वो वाटर पे क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। मतलब वो लीफ क्या है, स्टीम कोटेड विद अ वैक्सी लेयर। जब वो कोटेड रहेंगे वैक्सी लेयर से तभी वो क्या होंगे, फ्लोट होंगे। और उसमें क्या होती है, एयर स्पेसिस होती है इनसाइड द स्टीम। क्या होती है, एयर स्पेसिस होती है एंड द लीफ एडप्टेड फॉर द फ्लोटिंग। वो लीफ किसके लिए बने हैं, फ्लोटिंग के लिए बने हैं, तभी हम उसको कहेंगे एक्वेटिक प्लांट। जब वो वाटर में क्या रहेंगे, वाटर में ही उनकी जगह है, वो ज़मीन पर रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। दैट्स वाई दैट प्लांट इज कॉल्ड एज अ एक्वेटिक प्लांट, एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। इसका सेकेंड टाइप हम देखेंगे, एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। अभी हमने वाटर में रहने वाले प्लांट्स को देखा, लेकिन उसके बाद सेकंड टाइप है हमारा डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट मतलब आपको पता ही है, डेजर्ट में क्या होता है, वाटर अवेलेबल होता है क्या, नहीं होता। तो वहाँ पे क्या होगा, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होगा। स्कैर्सिटी मतलब क्या होता है, वाटर की कमी। वाटर की कमी होने के कारण ये जो प्लांट है वो क्या होंगे, उनको लीफ रहेंगे क्या, ये विदाउट लीफ वाले प्लांट हैं। और उसके साथ साथ इनको लीफ नहीं होते, मतलब क्या होता है, इसमें इनमें थ्रोन्स होते हैं। थ्रोन्स मतलब कांटे, छोटे छोटे कांटे, वो लीफ में कन्वर्ट होते हैं और उसी में क्या होता है, वाटर स्टोर किया जाता है। इस तरह से वो मॉडिफाइड होते हैं ड्यू टू द प्लांट। इस तरह से हम उसको डेजर्ट प्लांट में कहते हैं। और उसके बाद उसमें और एक बात है कि यहाँ पर वाटर का इवेपरेशन कम होगा, क्योंकि ये क्या है, फ्लेशी लीफ है। फ्लेशी लीफ होने के कारण वहाँ से कम क्या हो सकता है, वाटर इवेपरेट हो कम से कम हो सकता है। और वो क्या करते हैं, उसी स्टीम में क्या करते हैं, अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द डेजर्ट प्लांट। अभी हमने सेकंड टाइप के बारे में देखा, एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। अभी उसके आगे देखेंगे एडेप्टेशन इन अ प्लांट ऑफ स्नोवी रीजन। स्नोवी रीजन मतलब आपको पता है, जहाँ पे क्या होता है, स्नोफॉल होता है। तो उसमें फिर चेंजेस है, जैसे डेजर्ट प्लांट में थे तो इस प्लांट में भी थोड़े से चेंजेस है। क्या चेंजेस है, ये जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है, कोनिकल शेप होता है। तो कोनिकल शेप क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्नोफॉल है। तो स्नोफॉल मतलब क्या होगा, ये जो प्लांट है उसमें क्या होगा, बहुत सारा स्नो क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो ये पूरे प्लांट है वो कवर हो जाएंगे किससे, स्नो से। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, वो स्नो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। दैट्स वाई द ब्रांचेस दैट द लीफ इज लाइक द कोनिकल शेप। वो क्यों बना है, इसलिए बना है क्योंकि वो बर्फ को क्या कर सके, रिमूव कर सके। दैट्स वाई दैट लीफ इज कोनिकल शेप। और उसके बाद विथ अ स्लोपिंग ब्रांचेस, उसकी ब्रांचेस कैसी होती है, स्लोपिंग होती है, उनमें क्या होता है, स्लोप होता है। वो क्यों होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ड्यू टू द हेवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। वहाँ पे क्या होता है, हेवी स्नोफॉल होता है और वहाँ का वेदर भी क्या होता है, बहुत कोल्ड होता है। उसके वजह से क्या, ये जैसा एडेप्शन, इस जैसा एडेप्टेशन वहाँ पे पाया जाता है। तो उसके लिए क्या होगा, तो कोनिकल शेप प्रिवेंट क्या करता है, वो कोनिकल शेप क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्यूमुलेशन ऑफ द स्नो ऑन अ ट्री। एक्यूमुलेशन मतलब क्या होना, बहुत सारा कोई भी चीज़ क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है। तो उसको क्या करना, उसको कम करना, ये कोनिकल शेप क्या करता है, बर्फ को क्या करता है, वो रिमूव करता है। और उसके बाद दिस बैक हेल्प द ट्री टू विदस्टैंड द कोल्ड। ये क्या करता है, वही बैक वो उस प्लांट को क्या करता है, स्टैंड करने के लिए, इस स्नो वेदर में रहने के लिए वो क्या करता है, हेल्प करता है। इस तरह से स्नोवी रीजन में प्लांट क्या करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं, उसी को क्या करते हैं, द एडेप्टेशन इन द स्नोवी रीजन प्लांट। नेक्स्ट उसके बाद है एडेप्टेशन ऑफ द फॉरेस्ट रीजन। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, क्या बताया है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो उनके लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए।
यहाँ पे सनलाइट चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट रीजन में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट होते हैं, वो एक जगह पे बहुत सारे प्लांट रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, सनलाइट आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। दैट्स वाई जैसे आपको दोनों भी पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो प्लांट है वो क्या है, बहुत ह्यूज है, बहुत बड़े हैं। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट वो कैप्चर कर सके। दैट्स वाई दैट प्लांट इज़ ग्रोविंग ऑन अ ह्यूज स्टेट। और इसी तरह से उस वही एडेप्टेशन वो फॉरेस्ट रीजन के प्लांट में क्या होता है, पाया जाता है। एंड क्लाइंबर हैव एडेप्टेड बाय हैविंग द स्प्राइक लाइक टेंड्रिल विथ विच दे सीक सपोर्ट फ्रॉम द होस्ट ट्री। वो क्या करते हैं, होस्ट ट्री से अपना क्या करते हैं, सनलाइट एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपको दिख रहा है कि विदाउट सनलाइट वो प्लांट क्या हो सकते हैं, ग्रो नहीं कर सकते। दैट्स वाई दे वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, दिस इज द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। और उसके आगे हैं एडेप्टेशन ऑफ ग्रासलैंड प्लांट। तो आपको पता ही है जो ग्रासलैंड प्लांट है उनमें बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं, अपने आप को सेव कर सकते हैं। मतलब आपको पता ही है क्या कि जो टाइगर होते हैं उनको क्या करता है, क्या लगता है, खाना लगता है, और उनका खाना कौन है, डियर। तो अपने डियर अपने आप को सेव करने के लिए वो कहाँ पे छुपेगा, इस तरह से ग्रासलैंड में वो अपने आप को सेव करेगा। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, रैबिट होते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है, रैबिट है, तो वो रैबिट भी अपने आप को सेव करने के लिए इसी जगह का यूज़ करते हैं। तो क्या बुशेस एंड ग्रासेस ऑफ डाइवर्स टाइप आर सीन इन द ग्रासलैंड। इस तरह से बुशेस एंड ग्रासेस इस ग्रासलैंड प्लांट्स में पाए जाते हैं। ओके, और वो क्या करते हैं, उसके साथ साथ आपको और एक बात पता है कि जो हमारी सॉइल इरोशन होती है वो किस तरह से होती है, अगर सॉइल क्या है, अलग अलग है, वहाँ पे कोई भी प्लांट अवेलेबल नहीं है, तो ये सॉइल जब बारिश आती है तब क्या होगा, बारिश आने से वो सॉइल क्या हो जाएगी, वहाँ से रिमूव हो जाएंगी और उसका सॉइल इरोशन होगा। लेकिन अगर ऐसे ग्रास वहाँ पे अवेलेबल है तो वहाँ पे सॉइल इरोशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और इससे हम सॉइल इरोशन क्या कर सकते हैं, को कंजर्व कर सकते हैं और हमारे सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ ग्रासलैंड प्लांट। नेक्स्ट, एडेप्टेशन ऑफ इंजेक्शन ऑफ प्लांट इन फूड। तो अभी तक हमने बात की प्लांट्स के बारे में, लेकिन उनको क्या लगता है, फूड लगता है। तो फूड के बारे में आपको पता ही है, मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो करते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करते हैं, वो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं बाय यूजिंग अ रूट। और उसके साथ साथ उनको क्या लगती है, सनलाइट लगती है। ओके, इस तरह से वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं, एज अ होस्ट प्लांट दूसरे प्लांट को होस्ट प्लांट की तरह यूज़ करते हैं और वो खाना प्रिपेयर करते हैं। और ये जो प्लांट है वो क्या करते हैं, उनसे खाना क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह से ये है इंजेक्शन ऑफ फूड। तो इसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक होते हैं। मैंने आपको अभी बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो करते हैं, मींस वो कौन से हैं, ऑटोट्रॉपिक प्लांट हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं वो पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। तो वो कौन से प्लांट हैं, देवदार, वो प्लांट है देवदार। और वही प्लांट क्या करते हैं, दूसरे प्लांट को एज अ होस्ट की तरह यूज़ करते हैं। वो उसमें और एक बात है, विच इज़ अ लीफलेस, वो मतलब प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वो फॉलो नहीं करते, मतलब वो क्या है, लीफलेस प्लांट है, उनके पास लीफ होते हैं क्या, नहीं होते, और वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो नहीं कर सकते। और वो दूसरे प्लांट को क्या करते हैं, एज अ होस्ट रूट की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, किसके लिए, बाय अ सकिंग एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट। दूसरे प्लांट के न्यूट्रिएंट्स अपने आप को ग्रोविंग करने के लिए वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, ये था हमारा एडेप्टेशन इन प्लांट। तो इसमें हमने अलग अलग टाइप्स देखे, कौन से देखे, सबसे पहले देखा हमने एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट में हमने क्या देखा, जो प्लांट कहाँ पे हैं, वाटर में रहते हैं, वो है एक्वेटिक प्लांट।
उसके बाद जो प्लांट डेजर्ट में रहते हैं तो वहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है क्या? नहीं होता। तो वो अपने आप को ऐसे स्ट्रक्चराइज करते हैं कि उनको कम से कम वाटर लगे, और अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि उनके उन पे क्या आ जाए, थ्रोन्स आ जाए, और वही एज अ वाटर एब्जॉर्ब करके वो अपना खाना बनाते हैं, और इसमें इवेपरेशन कम होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो डेजर्ट प्लांट की। उसके साथ साथ स्नोवी रीजन प्लांट, स्नोवी रीजन में क्या होता है, वहाँ पे स्नो गिरता है, तो वहाँ पे ऐसे प्लांट्स हैं उनका कोनिकल शेप है, उस तरह से वो क्या करेंगे, कोनिकल शेप का यूज़ करेंगे और अपने आप को सिक्योर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट रीजन। फॉरेस्ट रीजन में आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है कि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फॉलो करने के लिए उनको अपने आप को क्या बनाना पड़ता है, बड़ा बनाना पड़ता है। देन हमने देखा ग्रासलैंड प्लांट। ग्रासलैंड प्लांट का यूज़ कौन करते हैं? डियर, टाइगर, रैबिट, इस तरह से एनिमल्स उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ग्रासलैंड एक ऐसा प्लांट है कि वो क्या करता है, सॉइल इरोशन को कम करता है, दैट्स वाई दे यूज़ दैट प्लांट। ओके, ये हो गया। और उसके बाद हमने देखा कि फूड इंजेशन ऑफ द फूड इन प्लांट, फूड में इंजेशन कैसे होता है, मतलब अगर वो प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता तो वो अपने आप को कैसे बनाता है कि दूसरे प्लांट से अपना खाना खुद बना सके। ओके, दिस इज़ द एडेप्टेशन ऑफ प्लांट। इसके आगे हमको एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स देखना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।